अब जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि उमरा और हज के लिए आपने कैसे अबाये बनवाने हैं। ये है शॉप नंबर 38 अहमद कलेक्शन। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम जवेरिया कमाल, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज फाइनली बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद मैं दोबारा इस शॉप पर मौजूद हूँ। मैं इस शॉप पर कई बार आई हूँ लेकिन वीडियो नहीं बना सकी, लेकिन बहुत सारी फरमाइश आई कि आपकी वीडियो देखकर हम इस शॉप पर गए, लेकिन आप दोबारा से हमारे बहुत सारे सवाल के जवाब दें, तो आज मैं इस शॉप पर मौजूद हूँ। जितनी मेरी बहनें प्रिंटेड अबाए पहनना पसंद करती हैं, या इस शॉप से आप वैसे ट्राउजर शर्ट के भी कपड़े ले सकते हैं, उसके अलावा उमरा या हज पर जाने वाले हैं, तो आई होप ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस शॉप का जो एड्रेस है वो मैं आपको एक दफा बता भी देती हूँ, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। आप राबी सेंटर आएंगे, राबी सेंटर के 3rd फ्लोर पर ये शॉप है और इसका नाम है अहमद कलेक्शन, तो इस शॉप पर जरूर विजिट कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू। अच्छा जी, ये जो मैंने पहना हुआ है ये इस तरह के ये सारे प्रिंट है, इसको क्या बोलते हैं भाई? बाहर वाली जॉर्जेट आप इनसे लेंगे। इस तरह के अगर आप बिल्कुल अम्ब्रेला स्टाइल अबाय बनाना चाहते हैं या थोड़ा सा उसमें डिज़ाइन करना चाहते हैं, यानी कि मतलब प्लेटें डलवा लें या चुन्नटें डलवा लें, तो इस तरह के आप बना सकते हैं। और साथ में इनके पास ये जो सेल्फ प्रिंट कपड़ा भी है, और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि शाइनिंग भी है और साथ में ये भी है, ये थोड़ा और शाइनिंग है। ये तो वीडियो में भी बहुत ज़्यादा अच्छा पता चल रहा है। अगर आपको ज़्यादा शाइनी नहीं पसंद तो आप इसको दूसरी तरफ से भी बना सकते हैं, या अगर आपको मतलब कि आप देखें इसके अंदर फूल लाइट कलर के हैं और इस तरफ से जो फ्लावर हैं वो डार्क कलर के हैं, तो आप किसी भी तरह इसको बना सकते हैं। इसमें एक ये कलर भी मौजूद है। और अच्छा, एक जो अबाये के लिए मशहूर कपड़ा होता है निदा कपड़ा, वो भी आपको इनके पास मिल जाएगा, और ब्लैक में भी इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी मौजूद है। और ये देखें आप, ये जो है शेडेड कपड़ा है, ये जैसे मेरी मम्मा है उनको शेडेड कपड़े अच्छे लगते हैं, तो अगर आपको भी अच्छे लगते हैं आप इसकी शर्ट भी बना सकते हैं और ट्राउज़र भी बना सकते हैं, प्लाज़ो बना सकते हैं, या अबाया बनाना चाहें तो अबाया भी बना सकते हैं। 20 कलर भी मिल जाएंगे जी इसके अंदर, तो ये 20 कलर तो मैं आपको वीडियो में नहीं दिखा सकती, इसके लिए आपको शॉप ही विज़िट करनी पड़ेगी। और साथ में इनके पास ये भी है, इसकी भी आप शर्ट भी बना सकते हैं, अबाये बना सकते हैं। अभी मेरे सामने आंटी ने लिया है, उन्होंने चादर बनाने के लिए लिया है, बहुत प्यारा लग रहा है इस तरह के, और इसमें बहुत सारे कलर्स मौजूद हैं इनके पास। ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और बहुत ही क्लासी है, बहुत अच्छी जो सफाई से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। इसके अंदर एक जो मुझे बहुत पसंद आया है वो ये है, ये वाइट कलर है, मतलब ऑफ वाइट है। आप इसको डाई भी करवा सकते हैं अपने कलर के अकॉर्डिंग, और ये बहुत ही खूबसूरत है। इसकी आप फिनिशिंग देख सकते हैं कि कितना प्यारा लग रहा है ये। इस कपड़े को क्या कहेंगे? ये क्रिंकल अबाये के लिए। आप एक कपड़ा दिखा देंगे मुझे, इसका कोई भी कलर दिखा दें, इसका भी आप अबाया बना सकते हैं। अच्छा, ये क्रिंकल और ये जॉर्जेट, इनमें से गर्मी में कौन सा अच्छा रहता है जो ठंडा रहे? ये भी ठंडा है और मेरे पास तकरीबन सारे गर्मियों के हिसाब से, गर्मियों के हिसाब से मतलब सर्दियों में भी चल जाएंगे और गर्मियों में तो चलेंगे ही। ये क्रिंकल है, ये भी आप अबाये में यूज़ कर सकते हैं। इसके जी 5 कलर मौजूद हैं, और साथ में ये भी हैं, अगर आपको कोई मैचिंग चाहिए, यानी कि ट्राउज़र बनवाने हैं या सादे अबाये बनवाने हैं, तो जैसा कि मेरे पहले वीडियो में भी मैंने दिखाया था, और अभी मैं आपको साइड में पिक्चर दिखा दूँगी, जो आप डबल अबाये बनवाएं उसमें आप इस तरह का इनर बनवा लें, और साथ में सी थ्रू अगर आप ऊपर अपर अबाया बनवाना चाहते हैं, तो ये सारी वैरायटी इनके पास मौजूद है, आप कोई भी कंट्रास्ट कर साथ में बना सकते हैं। अच्छा, एक नॉर्मल जो अबाया बनाना हो उसके अंदर हमें कितना कपड़ा लग जाएगा? नॉर्मल सिर्फ सीधा सा तीन गज कपड़ा जो आप नॉर्मल अबाये के लिए ले सकते हैं, और जो मैंने अभी पहना है ये भी 3 गज कपड़ा ही लगा था। ये इस तरह है कि नीचे से थोड़ा अम्ब्रेला है, लेकिन अगर आपने थोड़ा अच्छा ज़्यादा घेर देना है और ज़्यादा आपने चुन्नटें वगैरह डलवानी है,
और प्लेटें डलवानी है तो फिर 3.5 या 4 जो आपकी हेल्थ वाइज भी आप देखेंगे कपड़ा। अच्छा जी, ये है जी ब्लैक दुपट्टा। जैसे हमारी, जैसे मेरी अम्मी है वो ब्लैक अबाया पहनती हैं, तो उनके लिए इस तरह के दुपट्टे हैं। ये ब्लैक में भी सेल्फ प्रिंट भी है और थोड़ी सी शाइनी वाले भी हैं। आप देख सकते हैं ये जो नीचे है इसमें हल्की सी शाइन है। इस तरह के कपड़े भी मौजूद हैं। उसके अलावा दुपट्टे बहुत सारे मौजूद हैं, बहुत सारे कलर्स के, क्योंकि इनके पास थोड़े ठंडे ठंडे कलर्स भी हैं, तो उस हिसाब से भी दुपट्टे बहुत अच्छे हैं। नहीं तो फिर आप डाई करवा लें। और दुपट्टे की भी क्वालिटी मेरे ख्याल में 2 से 3 तरह के कपड़े हैं दुपट्टे में। एक थोड़ा बारीक है और एक उससे थोड़ा मोटा है, तो आप जो आपको अच्छा लगे, जो आपको लगे कि आपके बाई के ऊपर कलर जा रहा है, क्वालिटी आपको अच्छी लगे, वो आप यहाँ से आके परचेज कर सकते हैं। अच्छा जी, ये इस कपड़े को क्या बोलते हैं? प्लेटों वाला कहते हैं, क्रैश भी कहते हैं। अच्छा, ये क्रैश और प्लेटों वाला कपड़ा। इसकी मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे पिक्चर भेज भेज के कि भाई ऐसा कपड़ा कहाँ मिलेगा, तो कहीं नहीं जाएं, यहीं पे आकर ले लें, यहीं पर मिलेगा। और इसके 5 कलर हैं, आपने कहा 5 कलर हैं, तो जो कलर आप लेना चाहें। वैसे मेरे पास इसका एक प्लाजो भी मौजूद है, अगर आप चाहें तो इसके प्लाजो बनवा सकते हैं, अबाया बनवा सकते हैं, शर्ट बनवा सकते हैं, जिस तरह भी यूज़ करना है आप इसको कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा कपड़ा है ये भी। तो जितनी मेरी बहनें जिनको ये कपड़ा चाहिए है वो आ जाएं जी और ले लें। इसमें एक मरून कलर भी यहाँ पे था शायद, ये रहा। हाँ, मरून कलर दिखा दीजिएगा, इसमें थोड़ा ज़्यादा पता चलेगा ब्लैक में इतना। ये देखें जी कितना खूबसूरत कपड़ा है। और इसके ऊपर अगर आपने शर्ट बनानी है कोई प्रिंटेड, तो वो भी आप यहीं से कुछ मरून में ले सकते हैं और इसका बनवा लें प्लाजो, तो बहुत अच्छा बनेगा। अब जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि उम्रा और हज के लिए आपने कैसे अबाए बनवाने हैं। तो यहीं से आप प्रिंटेड जो अबाए हैं, जिस तरह ये जो मैंने पहना हुआ है, मैंने उम्रे पर जाते हुए बनवाया था, और दूसरे भी आपने मेरे उम्रे की वीडियोस में भी देखा होगा, ये मेरे पीछे भी है। आप इनमें से कोई भी कपड़ा लें, 3 गज़ आप कपड़ा लें और सिंपल एक, या तो सामने से खुलने वाला या इस तरह बंद वाला। वैसे बंद वाला मैं आपको प्रेफर करूंगी कि बंद वाला अबाया बनवाएं। मेरी प्यारी बहनों ने इतनी बार फरमाइश की मुझसे कि भाई दोबारा इस शॉप पर जाएं और हमें तमाम कपड़े दिखाएं, मैं अपने तमाम अबाए आपको दिखाऊं कि मैं किस तरह से अबाए सजवाती हूँ। तो आज मैं पूरी अबाए की डिटेल देने वाली। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी डबल अबायाज की। मुझसे बहुत ज़्यादा ये पूछा गया है कि भाई ये जो आपने डबल अबाया पहने हैं इनके अंदर कितना कपड़ा यूज़ होगा। तो ये जो आप अबाया देख रहे हैं सामने, इसमें अंदर रेड कलर का इनर है जो कि 3 गज़ में बना था, और ये जो अपर है ब्लू कलर का, ये 5 गज़ में बना था और दुपट्टा अलग से था। लेकिन ये जो आप पीच एंड वाइट देख रहे हैं, इसका इनर पीच कलर का था जो 3 गज़ में बना था, और इसका अपर जो है वो 6 गज़ में बना था। क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि मैंने स्कार्फ के ऊपर अबाए का ही एक लिया हुआ है, ये सऊदीया में दुल्हन के अबाए बनते हैं, तो ये इस तरह मेरी मम्मा ने स्टिच किया था। लेकिन यहाँ पर डिस्क्लेमर भी दे दूँ कि ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है उम्रा और हज के हवाले से। मैं न्यूली ब्राइड थी और मेरी मम्मा ने बहुत प्यार से ये अबाए बनाए थे और बहुत ही अच्छे बने थे। और यहाँ पर जब मैं बिलादों में पहनती हूँ या कहीं पर भी, तो सब ही मुझसे पूछते हैं कि ये कहाँ से लिए हैं। इवन वहाँ पर भी मैंने एक ही बार ये दोनों अबाए अपर अबाए के साथ पहने थे, सब पूछते थे। लेकिन ये क्योंकि आप देख रहे हैं सामने इतना ज़्यादा लटकते हैं, तो ये हरम में पहनने में बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। उसके हवाले से आप किस तरह का अबाया बनवाएं ये मैं आपसे आगे शेयर करती हूँ। और ये अबाया मैंने एक एक दफ़ा अपर पहन लिए थे और पिक्चर्स वगैरह मम्मा को दिखानी थी, लेकिन उसके अलावा मैंने इसके इनर अबाए ही यूज़ किए थे। तो जी, अगर आपने ये बनवाने हैं तो आपने इस तरह कपड़ा ले लेना है जो मैंने डिटेल्स में बता दिया है। अब ऐसा अबाया आप बनवाएंगे तो ये तकरीबन बनेगा 3.5 से 4 गज़ में। मैं काफ़ी लूज अबाए बनवाती हूँ, यानी कि ढीले अबाए बनवाती हूँ। आप अपनी हेल्थ के हिसाब से देखेंगे कि आपने किस तरह लेना है कपड़ा। और ये इस तरह फ्रिल्स है, और साथ में ये देखें आस्तीन मैंने इस तरह थोड़ी सी उरेब बनवाई है, ये भी मेरी मामा ने स्टिच किया था। और ये स्लीव्स बहुत आसानी रहेगी आपको वज़ू वगैरह करने में। और इतना ये इसका घेर था, मुझे घेर वाले अबाए बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और ये बहुत ज़्यादा ह्यूज नहीं था, लेकिन ये एक परफेक्ट साइज़ है उम्रा या हज के हवाले से बनवाने के लिए, जिसके अंदर आप बहुत कंफर्टेबल रहेंगे। आगे से यह अबाया बंद रहेगा तो आपने अंदर
शलवार कमीज पहन लेने हैं तो आप बहुत अच्छे से कंफर्टेबल रहेंगे। अच्छा, इस कपड़े पर ओवरलॉक जरूर करवा लेनी है, वरना ये कपड़ा जो है वो धागे धागे निकलना शुरू हो जाते हैं। आप ओवरलॉक करवा लें और इंशाल्लाह साला साल आप ये कपड़े पहनेंगे। मैं दुपट्टे भी इन्हीं भाई से लेती हूँ, इसी शॉप से लेती हूँ, और इनके दुपट्टे की चौड़ाई बहुत ज़्यादा होती है। मैं दुपट्टे के लिए हमेशा सिर्फ 2 गज कपड़ा लेती हूँ और चौड़ाई इतनी होती है कि लेयर्स अच्छी बन जाती हैं। थोड़े से स्टाइलिश बनवाती हूँ, यानी कि थोड़ा घेर ज़्यादा हो और मुझे इस तरह के अबाय अच्छे लगते हैं, तो मैं फिर 4 गज कपड़ा लेती हूँ और उसी में बनता है। तो आप इस तरह का कोई भी प्रिंट ले सकते हैं, उसमें ऐसा अबाया बनवाएं जो आपके लिए बहुत कंफर्टेबल हो। इनके पास दुपट्टे का कलर भी मौजूद है, आप ये दुपट्टा मैंने इनसे ही लिया हुआ है, तो आप कोई भी दुपट्टे चाहें तो ले सकती हैं। और मैं भी आपको दिखा भी देती हूँ पीछे से दुपट्टे, नहीं तो आप डाई करवा लें। और ये अबाया ऐसे हैं क्योंकि इनमें शेड इतने ज़्यादा होते हैं, कलर्स इतने ज़्यादा होते हैं, तो आप स्कार्फ्स भी ख़रीद सकते हैं या बहुत सारे दुपट्टे, मतलब कि आप दुपट्टे चेंज भी कर सकते हैं उसके ऊपर, ज़्यादा कलर्स के आप दुपट्टे यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत आसानी है उन लोगों के लिए, क्योंकि अभी मेरी बहुत सारी बहनें यहाँ से लेके गईं और उन्होंने मुझे कहा कि भाई उम्रे पे बहुत आसानी रही, क्योंकि गर्मी में हज और गर्मी में उम्रे का जब सीज़न होता है तो क्या होता है कि ब्लैक कलर आपको वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी देता है, तो ब्लैक कलर में आप ब्लैक कलर का अबाया पहनेंगे आपको गर्मी ऑलरेडी ज़्यादा लगेगी, तो इस तरह के जब ठंडे कलर पहनेंगे तो आपका सफ़र बहुत आसान हो जाएगा। और जैसा कि मुझसे सब उम्रा के हवाले से सवाल करते हैं, तो मैं आपको कहूँगी कि इस शॉप पर आएँ और आकर अपने उम्रा या हज की तैयारी कर लें जी जल्दी से। और प्राइस रेंज जो है वो थोड़ी सी मैं भाई से पूछ के आपको बता देती हूँ, लेकिन ये वीडियो आप डेट देख लीजिएगा, ऐसा ना हो आप आज से 1 साल बाद आके कहें कि इसी प्राइस रेंज में मिलेगा। आप डेट देख लीजिएगा, अभी जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको आइडिया दे देते हैं कि एक अबाये में कितना कपड़ा लगेगा और किस हिसाब से मिल रहा है। उसके अलावा आप जब आएँ तो अपने हिसाब से आप लें, लेकिन शॉप बहुत अच्छी है, कपड़ा बहुत अच्छा है। ये मैंने 4 साल पहले बनवाया था और अभी तक मैं पहन रही हूँ। तो ये है कि एक दफ़ा आप पैसा खर्च करेंगे इंशाल्लाह तो आपको वैरायटी क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी। अब जी सबसे मेन सवाल भाई से पूछ लेते हैं कि एक अबाया कितने में होगा। इतने सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि एक अबाया कितने में है। देखिए यहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा है, क्वालिटी अलग है, क्वालिटी अच्छी है तो पैसे थोड़े से बढ़े। कितना गज ले रहे हैं, आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी लेंथ क्या है, उसके अकॉर्डिंग कपड़ा मिलेगा। मैं जिस तरह लेती हूँ, हो सकता है आप उस तरह नहीं है, आप बहुत पतले हो या आप थोड़े से हेल्दी हो, तो उस हिसाब से कपड़ा लेना पड़ेगा। 2000 की रेंज में अबाया मिल जाएगा, फिर आप उसको स्टिच करवाएं अपनी मर्जी से जैसा बनवाना है और उसके बाद सालों साल इंशाल्लाह पहनते। तो जितनी भी मेरी बहनें ऐसी हैं जो उम्र पर जाने वाली हैं या हज पर जाने वाली हैं या वैसे भी अबाये मेरी तरह प्रिंटेड पहनना पसंद करती है, तो वो इस शॉप पर जरूर विजिट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जितने लोग हज पे जाने वाले हैं, उमरा पर जाने वाले हैं, अभी जाने वाले हैं या मुहर्रम के दिनों में जाने वाले हैं, तो आ जाएं जी, तैयारी शुरू कर लें और साथ में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा उन लोगों तक, उन बहनों तक जो अबाया खरीदना चाहती हैं। और क्योंकि पहले के दौर में हम ज्यादातर ब्लैक अबाया लेते थे, लेकिन अब जैसे दौर चेंज होता है हमें भी आगे बढ़ना है, तो उसके हिसाब से आप प्रिंटेड अबाये ज़्यादा अच्छे लगते हैं और ज़रा कंफर्टेबल भी रहते हैं। वैसे आप पार्टी वेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि वैसे हम ब्लैक अबाये पहन के कहीं जाएं और बर्थडेज में या कहीं पर भी तो अजीब सा लग रहा होता है, तो इस तरह अगर हम प्रिंटेड अबाये पहनते हैं और थोड़ा अच्छा सा तैयार हो जाएं जी, तो वो पार्टी वेयर भी हो जाता है। तो आप ज़रूर शॉप को विजिट कीजिए। मैं एक दफ़ा और बता देती हूँ, आप रावी सेंटर आएंगे, रावी सेंटर में 3rd फ्लोर पर आ जाएं और 3rd फ्लोर पर यहाँ पर अहमद कलेक्शन शॉप नंबर 38, इस शॉप पर आ जाएं और जो अबाय आपने लेने हैं, जिस तरह के प्रिंट्स लेने हैं, जितना कपड़ा लेना है आकर ले लें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आगे शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अबाय के कपड़े से रिलेटेड आपको कोई भी मालूमात चाहिए है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या शॉप विजिट कर सकते हैं। मेरा रेफरेंस ज़रूर दे दीजिएगा।